हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं अपना सेकंड डोज का वैक्सीनेशन कराने। तो वैक्सीनेशन का सेकंड डोज है आज हमारा। तो नितिन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। एक्चुअली हम दोनों का सेम डे ही था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने फर्स्ट डोज लगवाई थी तो सेम डे ही लगवाई थी। वो मैंने नितिन के ऑफिस में लगवाई थी और ये सेकेंड डोज मैंने नॉर्मल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाई है। तो मैंने सोचा चलो हम दोनों चलते हैं, और अगर डॉक्टर अलाउ कर देगा तो तुम भी लगा लेना, अदरवाइज सिर्फ मैं ही लगा लूँगी अपना। तो हम दोनों को सेम डे ही लगवाना था, लेकिन अभी एक दिन पहले नितिन की तबीयत ख़राब हो गई थी। नितिन को वोमिट वगैरह हो गया और उस वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो वीकनेस भी हो गई और फीवर सा भी उनको लगने लगा था। तो 99 पॉइंट समथिंग था, तो डॉक्टर शायद ना अलाउ करे, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं लगाने के लिए, बट यहाँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद 10 मिनट के लिए वेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद मैं घर वापस जाऊँगी। और आज बिल्कुल भी ये नहीं था कि वैक्सीनेशन लग पाएगा, बट लकली लग गया। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ भी ये लड़का फ़ोन में घुस गया है, क्योंकि इसको बच गया ना ये। मैंने बोला यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो खींचने के लिए इस वाली जगह पे। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने के बाद पास में ही एक साईं बाबा का मंदिर है, तो मैं पहले जाती थी, अक्सर हमेशा नहीं जाती थी बट कभी कभी जाती थी। अगर मैं उस रोड पे जाती हूँ तो वहाँ ज़रूर जाती हूँ, तो पास में ही है। तो मैंने सोचा जब इतना दूर आई हूँ तो चलो वहाँ भी चल लेते हैं। तो हम जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर और प्रसाद चढ़ाएँगे, फिर थोड़ा दर्शन करेंगे, वापस घर चले जाएँगे। मंदिर चढ़ा देंगे ना अंदर से, साईं बाबा को फूल ले रही हूँ। और यहाँ पे मंदिर में अंदर जाना अलाउ नहीं था, तो बस मंदिर के जस्ट बाहर एक बैरियर लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाके हमें प्रसाद चढ़ानी थी। तो प्रसाद वैसे भी पंडित जी चढ़ाते हैं, बट हम लोग हाथ में लेके आते हैं, जो भी प्रसाद होता है पंडित जी को देते हैं, वो चढ़ा देते हैं। तो जस्ट इसको क्रॉस करके अंदर जाके वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ, वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ा दिया था। सो गाइस, यहाँ हमारा इंजेक्शन भी वैक्सीनेशन भी लग गया है और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। हमारा नहीं, तुम्हारा? मेरा वैक्सीनेशन लग चुका है और हमने दर्शन भी कर लिए हैं, बट नितिन का वैक्सीनेशन नहीं लगा है। तो ये कराएंगे कोविड टेस्ट अपना, अगर हम जाते हैं तो कोविड टेस्ट भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे वैष्णो देवी जाना है, अदरवाइज कोविड नहीं है मेरे को। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था मुझे कोविड नहीं है बट कोविड टेस्ट इसलिए कराना है क्योंकि मुझे वैष्णो देवी जाना है, और वहाँ पे आपकी रिपोर्ट या सेकंड डोज का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और माता रानी के दर्शन करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप लोग को माता रानी के दर्शन टाइम टू टाइम कराती रहूँगी, और अपने इंस्टाग्राम पर आप लोग को छोटे छोटे क्लिप्स में भी दर्शन कराऊँगी, क्योंकि ब्लॉग तो वैसे भी आने में लेट हो जाता है, बट इंस्टाग्राम इंस्टेंट होता है, उसे फटाफट सारे वीडियोज़ बनाते हैं, ट्रेंड आते हैं। तो अभी मुझे कुछ ऐसा असर नहीं हो रहा है, इंजेक्शन यहाँ पे लगा है तो ऐसा कुछ असर नहीं हो रहा, देखते हैं रात तक क्या असर होता है। सो अभी रात में 8:15 हो रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो 8:15 हो रहा है और अभी तक मुझे बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही बोला था, मैंने पूरा दिन व्लॉग बनाया था और रात के टाइम में 1:30 मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था और दिन भर कुछ नहीं हुआ था। तो अभी सेम सिचुएशन है, तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे साथ, और सेकेंड डोज है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड डोज में कुछ भी नहीं होता है, ज़्यादा कुछ असर नहीं, तो हल्का फुल्का होगा बट ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी घर के सारे काम निपटा लूंगी, नहीं तो कल के भरोसे अगर मैंने कुछ भी पेंडिंग छोड़ा और तबीयत खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो अच्छी अच्छी मिलने वाली आप लोगों को, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि बातों के चक्कर में खाना पीना नहीं बना, तो मेरा कल्याण हो जाएगा जब अगर पेन मेरा स्टार्ट हो गया तो। तो चलते, पहले मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और
मैं आप लोग को बताती हूँ, रात में ट्रेन स्टार्ट होगा तो भी मैं आप लोग को बता दूंगी कितना। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी बस ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ है, मैंने सोचा चलो आप लोग को बता देते हैं कि सेकेंड डोज का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। तो कुछ भी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा है वहाँ बस माइनर सा हल्का सा पेन है, वो भी जो नॉर्मल एक इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जो उठ जाता नहीं यहाँ पे दाने बन जाते हैं वैसा सा हो गया है। तो जैसा कि आप लोग नॉर्मल से एक इंजेक्शन लगाते हो जो हल्का सा पेन होता है बस उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही हाथ उठाने में कोई दिक्कत है और ना ही बॉडी एक है, ना ही फीवर है, कुछ भी नहीं है। सो गाइज, इस व्लॉग के यहीं पे एंड कर देते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को बताती हूँ कि हमने क्या क्या टेस्ट कराए हैं और वैष्णो देवी जाने से पहले क्या क्या टेस्ट करना ज़रूरी होता है। सो हमारी मॉर्निंग में ट्रेन है और अभी तक हमने कुछ भी पैक नहीं करा हुआ है, जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। इससे पहले एक दिन पहले नितिन की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने वैक्सीन तो लगवा लिया बट नॉर्मल सा एक स्टमक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं पैक करा है। और मैं सोच रही इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।